नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में महिलाओं के प्रति दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन रेप और मर्डर जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देश भर में महिला सुरक्षा एक गंभीर और अहम मुद्दा बन गया है। जनता सरकार से इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है। वहीं इसी बीच महिला सुरक्षा को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में हील फाउंडेशन एवं जीवनदीप संस्था द्वारा लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट जियामऊ के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित, कारण एवं समाधान विषय पर एक परिचर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन हील फाउंडेशन के अध्यक्ष और कैंसर अस्पताल की डायरेक्टर निर्मला पंत और जीवनदीप संस्था की सेक्रेटरी पूर्णिमा भसी ने किया। इस परिचर्चा में डॉक्टर सुनीता एरन, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर मानसिक रोग विभाग KGMU, डॉक्टर श्वेता सिंह प्रोफेसर एवं विभागा अध्यक्ष नवयुग डिग्री कॉलेज, डॉक्टर सृष्टि अस्थाना, समाज सेवी डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजी डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी एवं पार्षद भारतीय जनता पार्टी वर्तिका सिंह, शबनम पांडे, सदस्य प्रदेश कार्य समिति डॉक्टर अभिजीत कौर, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर वाइस चांसलर KGMU शामिल हुए और महिला सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार रखे और महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर चर्चा की। वहीं इस दौरान हमारी सहयोगी ऋचा सिंह ने वहां आई महिला अतिथियों से बातचीत की और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उनसे उनकी राय जानी। महिलाओं ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिजियोथेरेपिस्ट की जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दे पर। मैंने इंस्टीट्यूट से भी थेरेपी पढ़ी है, जो कि मैम ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को पढ़ाया है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोग को सीखने का अवसर मिला जो कि कहीं और हम लोग नहीं सीखे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, लड़कियों पर आए दिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, हमें समाचार के माध्यम से मिलती हैं चीज़ें सुनने को, उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? उनसे क्या बचाव हो सकते हैं और कहाँ कहाँ सख्त होने की ज़रूरत है और कहाँ जागरूकता फैलाने की ज़रूरत? हम लोग को उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई है पहले से ही कि हम लोग कैसे अलर्ट हो। सबसे पहली बात ये होती है कि आप खुद क्या मतलब कैसे क्या सिग्नल किसी को दे सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी जैसे पेशेंट अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी ये होता है कि अगर मेल पेशेंट है आपको उसको अकेले कराना है तो आप पहले उनके घर वालों से बोलिए कि एक कोई एक होना चाहिए जो यहाँ पर देखेगा कि हम अकेले नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे चांसेस हैं, हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो आजकल रेप हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न तो लैक ऑफ एजुकेशन है और अवेयरनेस नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लड़के घूमते रहते हैं इधर उधर, मतलब गली में जाओ तो टॉन्ट करके निकलते हैं, तो उनकी एजुकेशन उस तरह से नहीं हुई है। मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई है, शायद उनको बचपन से ही नहीं सिखाया गया कि अगर कोई लड़की जा रही है तो उसको टॉन्ट नहीं करना, उसको अच्छे से उसके साथ बिहेव करना है। जैसे तुम्हारी सिस्टर है उसको भी अपनी बहन ही की तरह ट्रीट करो, तो उनको ये ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है, क्योंकि पहले तो हम लोग को सबसे पहला बच्चा अपने घर से ही सीखता है, तो फिर जैसे वो अगर फर्स्ट स्टेप उसका गलत है, सेकंड वो अपने स्कूल में गया और हो सकता है स्कूल में भी अगर थोड़ा इधर उधर वो चीज़ पे ध्यान ना दिया जाए तो बच्चा बड़ा हो गया, हो सकता है बीच में उसकी एजुकेशन किसी भी रीज़न से छूट गई, तो वो नहीं वो उस चीज़ को भी कवर कर पाएगा, फिर तो वो गलत रास्ते में जाएगा ही जाएगा। तो पहला मुझे लगता है कि एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जो लड़के इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई कैंप लगा के उनको किसी ना किसी काम में डालना ही चाहिए, उनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होगा उनको। और मे बी ऐसा हो सकता है ना कि पैसा बहुत मतलब पैसा अर्न करना वो नहीं चाहते हैं, मतलब या फिर उनको टफ लग रहा है, बट जब उनके पास एक जरिया होगा, एक सोर्स होगा पैसा वैसा कमाने का, तो इधर से दिमाग बट जाएगा ना, डाइवर्ट होगा इधर से दिमाग, और फिर वो अपना दिमाग अपने काम में लगाएंगे, मैं कैसे मोर मनी कैसे अर्न करूँ, मोर मनी कैसे अर्न करूँ, तो इधर से उनका दिमाग डाइवर्ट होगा। तो अगर लड़कों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिधर वो अपना माइंड डाइवर्ट करके उधर लगाएं, कोई काम करें, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ फरहीन एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आप भी कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं पे जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ कहेंगे इस बारे में? जी मैम, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे घर में अगर लड़की के साथ अब्यूज़ किया जाता है तो उसको दबाया नहीं जाए। उसमें क्या होता है कि लड़की की शादी कैसे होगी, समाज क्या सोचेगा। सबसे पहले घर वालों को ये सोचना चाहिए कि
शादी इस मैटर नहीं मैटर करती है, मैटर ये करता है मेरी बेटी क्या कर रही है और कितना आगे बढ़ रही है। ज़्यादातर लोग बिटिया को या घर वालों को समाज इसलिए दबा देता है क्योंकि शादी कैसे होगी, घर चेंज कर देते हैं और इसी डिप्रेशन में लड़कियां अपनी उम्र भर अपनी पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन में बिताती हैं। इसलिए हमारे घर को हमारे परिवार को सोचना चाहिए कि अगर लड़की के साथ अब्यूज़ हुआ है तो हमें उसको उसकी शादी के लिए दबाव नहीं रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, उसके साथ जो अब्यूज़ हुआ है उस पर विरोध करना चाहिए, ना कि उसकी शादी के लिए शादी के बारे में सोचा जाए। तो मैं यही कहूँगा कि घर वालों को भी सोचना चाहिए, उसकी शादी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ेगी, आगे पढ़ेगी लिखेगी, कैसे क्या करेगी। थैंक यू मैम, उसके लिए क्या है सदियों से होया है। सबसे ज़रूरी है कि हमें बच्चों को एम्पावरमेंट करना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली। और मेरे चूँकि बच्चे हैं, मैं इन लोगों को अपने बच्चों ही जैसा समझती हूँ और इनके लिए मेरा यही कहना होता है कि आप लोग कभी भी अपने को ये मत समझिएगा कि मैं लड़की हूँ या मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। मैं हमेशा आप आगे बढ़ के रहो और अपनी सुरक्षा अपने आप करो। आज हम जियामऊ कैंसर हॉस्पिटल में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर हॉस्पिटल की ओनर और डायरेक्टर, साथ ही हील फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हैं। आज यहाँ महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर काफ़ी परिचर्चा की गई और इस मुद्दे पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैम क्या कहना चाहेंगी आप? आज जो हमने परिचर्चा की उसमें महिला की कितनी सुरक्षा, कारण और समाधान। आज हम देखते हैं कि महिला पहले से बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गई है, शिक्षा दर बढ़ गया है, महिलाओं का मृत्यु दर कम हो गया है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है। इवन महिलाओं को राजनीति में भी आरक्षण मिलने लगा है। तो इतनी जब सुविधाएं हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं दे रखी हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है उनका। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सुविधाएँ सरकार की तरफ से मिल रही हैं और जो इतनी योजनाएं बना रखी हैं, महिला इतनी शिक्षित हो गई है, मृत्यु दर भी कम हो गया है, तो ये इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है, महिला के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इसी को जानने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैंने एक कैंसर इंस्टीट्यूट के सभागार में एक परिचर्चा रखी, जो कि मैंने करीब 8 विशेषज्ञों को बुलाया था जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने अपने 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 बारे में सबने बताया, इस चर्चा के बारे में बातचीत करी और महिलाओं को जागरूक किया और मुझे लगता है कि इस चर्चा से काफ़ी महिलाएं जागरूक हुई और जागरूक होने के बाद इस जो आज उनको जानकारी मिली, अपने घर में, समाज में और देश के कोने कोने तक इसको प्रचार और इसका प्रसार करेंगी और जनता तक ये संदेश पहुँचेगा। धन्यवाद। लेकिन महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं समाज में, लगातार मतलब इस तरीके से उनका रेप करते हैं, उसके बाद मर्डर कर देते हैं। इसमें 2 साल की बच्ची हो, चाहे 4 साल की बच्ची हो और चाहे 20 साल की बच्ची हो, असुरक्षित महसूस करती है और ये चीज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही, कम हो नहीं रही हैं। और इधर अगर देखा जाए तो 6 महीने से साल भर में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे? मेरा विचार है कि एक तो सोशल जो मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, अशिक्षित ऐसे लोगों के हाथ में जिनको उसका असली मतलब नहीं मालूम, उसका दुरुपयोग होता है, जिसका दिमाग पर, मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो हमारे मनोवैज्ञानिक कारणों में आ जाता है। सबसे बड़ा तो कारण ये है। दूसरी बात यह है कि हमारा परिवार और अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व है, तो परिवार और अभिभावकों को व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करना चाहिए। वो उसकी आज कमी हो गई क्योंकि आज हर घर की औरत काम करने के लिए बाहर निकल गई, तो बच्चों को वो शिक्षा, नैतिक शिक्षा देना, वैल्यू एजुकेशन देने की बात ही नहीं आती और इसीलिए बच्चों में के अंदर इस तरह की मस्तिष्क। दूसरे जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतीय जो संस्कृति है, जो मर्यादित संस्कृति, उसको भूलते जा रहे हैं। स्त्री के स्वतंत्र होने का अर्थ ये नहीं कि वो समाज में निकले तो उसका पहरावा कैसा हो, शालीन हो, ताकि लोगों को बढ़ावा ना मिले। और सबसे अंतिम बात ये कि जो आजकल जो विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हो रहे हैं वो शिक्षा भी और शिक्षक भी, उनका कोई आदर नहीं होता। शिक्षा वैल्यू नैतिक शिक्षा पर नहीं है, हमारी शिक्षा में बदलाव आना चाहिए।
हमारे सामाजिक मूल्यों में बदलाव आना चाहिए, हमारे सामाजिक ढांचे में बदलाव आना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, वो हमारा मकसद नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने इस विषय पर आज गोष्ठी रखी कि जो बढ़ती हुई असुरक्षा है महिलाओं की, इसके पीछे क्या कारण है। मनोविकृतियाँ हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, और पारिवारिक जो अभिभावकों का जो दायित्व है उससे लोग दूर हो रहे हैं। और इसी तरह से सभी आज वक्ताओं ने इस पर भाषण दिया और बहुत सारी जानकारियाँ भी न्याय के संबंध में मिली कि हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम सभी महिलाएं एकत्रित हुए, इसमें जीवन दीप संस्था और हील फाउंडेशन संस्था ने आज संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो इसका परिणाम जरूर अच्छा निकल कर आएगा। धन्यवाद। बताइए कि स्कूलों में जैसे बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याएं हैं और किस तरीके से एक बच्चे को अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या करना है, इन सब चीज़ों पे स्कूल में फोकस नहीं किया जाता है, सब सिलेबस कंप्लीट करने पर चलते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूँगी, पहले तो हमारी शिक्षा जो है व्यवहारिक ना होकर के वैज्ञानिक ज़्यादा हो गई है, तो स्कूलों में विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उनको जो हमारी जो संस्कार वाली थी, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, किसी भी भाषा को, उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। और आधुनिकता के नाम पर उनको प्रतियोगिताएं ज़्यादा कराई जाती है, और प्रतियोगिताएं भी वो भी उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रतियोगिताएं नहीं होती है, वहाँ ईर्ष्या और द्वेष की, तो इस तरह से उनका मानसिक स्तर इतना नीचे हो जाता है, वो अपने को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए विद्यालयों का जो दायित्व होता है वो आज फैशन शो में ज़्यादा है, जो हमारे संस्कार वाली चीज़ें थी वो कम है। आज कहीं पर उनको फिल्म की और ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो मूल आधार है उसको छोड़ दिया गया है, और शायद मेरे ख्याल से हम लोग हिंदी, संस्कृत और कोई भी भाषा पढ़ते थे तो वो हम लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में वो कुछ संस्कार पड़े रहते थे भले ही वो, और जब भी हमें मौका मिलता है वो फ्लॉरिश होते हैं और समाज को एक अच्छा मैसेज देते हैं। इसका पूर्ण रूपेण से अभाव हो गया, और नैतिक शिक्षा के लिए किताब के रूप में लगाई जाती है, और वास्तव में नैतिक शिक्षा शिक्षक भी देने में कुछ इतने सक्षम नहीं हो रहे हैं, और हमारे माता पिता भी जो है उसी दौड़ में, आधुनिकता की दौड़ जिससे कि ये जो कलकत्ता जैसे, दिल्ली ऐसे कांड हो रहे हैं। सबसे पहले तो आज के बच्चों में और पेरेंट्स के बीच संवाद या हेल्दी कम्युनिकेशन कम हो रहा है, पेरेंट्स अपनी दुनिया में बिजी हैं और बच्चे अपनी दुनिया में, तो उनके बीच एक ब्रिजअप करने की ज़रूरत है, और बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस पेरेंट्स डेवलप करें कि अगर उनके साथ कुछ होनी अनहोनी होती है या कुछ ऐसे सिग्नल्स रिसीव कर रहा बच्चा कि वैन का ड्राइवर या कुछ ऐसा कर रहा, तो फौरन बच्चे को अपनी मदर के साथ शेयर करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, कम से कम इतना ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की बच्चों के साथ कि वो अपनी बात को शेयर कर सकें, भय रहित होकर फोबिया ना पालें, तो फिर जिससे कि ये कि ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी मुसीबतें टल जाएंगी। थैंक यू सर। दीप संस्था की सचिव हूँ, और ये संस्था हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक, सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों को लेकर हर महीने एक चर्चा और एक अच्छा काम करती है। तो इसके लिए आज ये विषय हम लोगों ने रखा था, जिसमें बहुत सी अवेयरनेस और हर बिंदु पर मुझे लगता है सब टच किया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ यहाँ कार्यशाला तक ना रहे, ये समाज में जाए, सड़कों पे जाए, लोगों में जाए, ये संदेश हमारा हर तरफ जाना चाहिए, और यही हमारी जागरूकता, तभी हमारा ये मिशन कामयाब भी होगा और हम जागरूक होंगे और हमारी महिलाएँ जागरूक होंगी, तो जो बहुत ज़रूरत है इस समय समाज को इस चीज़ की। तो यही कहूँगी मैं कि ये इस तरीके के कार्यक्रम होने भी चाहिए और इनका संदेश बाहर निकलना भी चाहिए। धन्यवाद। जाहिर है देश में महिलाओं के साथ अपराध में पहले की तुलना काफी गुना बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में हम सब का भी दायित्व है कि हमें देश के एक नागरिक होने के नाते महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा करनी होगी, तभी हमारे देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।